हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोबाइल केयर क्लिनिक पे। और दोस्तों, आज मैं हमारे पास एक सेट आया हुआ है जो कि ये अपना जो है मोटो का G22 है। और दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो है कंटिन्यूसली जो है रिस्टार्ट हो रहा है, और इस पे जो ये लेके आ रहा है डी एम वर्टी करेक्शन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारा इस फ़ोन में है और जिसकी वजह से ये हमारा फ़ोन कम्प्लीट ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। ये कंटिन्यूस जो है रिस्टार्ट कंडीशन में है और डी एम वर्टी लिख के आ रहा है, ठीक है। तो आज हम इसको जो है रिपेयर करने वाले हैं और मैं दिखाऊंगा किस तरह से इसको रिपेयर करना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस हमको जो है ये हमारा UMT प्रो है इसको ओपन करना है। इसका MTK वाला जो टूल है इसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से वन क्लिक में इसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी UMT ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो UMT है और ये अभी ऑन होने वाला है, ये हमारा UMT ऑन हो गया। और इसका दोस्तों ये हमारा एक टैब है जो फॉर्मेट फंक्शन है, इसमें दोस्तों ये नहीं, इसमें तो नहीं होगा दोस्तों, ये हमारा बूटलोडर फंक्शन है, इसमें हम जाएंगे और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो इस पर जो है 3-4 ऑप्शन आते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। ये देखिए हमारा जो ये फंक्शन है, तो इसमें देखिए हमारा जो है रिमूव जो है DMVT है और एक जो है पैच DMVT है। तो एक बार हम इसको पहले पैच DMVT करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए मैंने पैच DMVT अभी टैप किया है और अभी फ़ोन को हम ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद इसको जो है वॉल्यूम अप और डाउन कनेक्ट करके, वॉल्यूम अप और डाउन प्रेस करके हम केबल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। केबल कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो है DMVT को पैच करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों, थोड़ा वेट करेंगे, अभी हमारा ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा DMVT जो है ये पैच हो चुका है। और अभी हम इसको जो है एक बार फ़ोन को ऑन करेंगे और इसके बाद चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों, देख सकते हैं अभी हमारी ये प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुई है। इसके लिए दोस्तों हमको एक और काम करना होगा, इसमें इसी हमारा जो बूटलोडर फंक्शन है इसमें अनलॉक बूटलोडर का ऑप्शन दिया हुआ है, हम उसको एक बार चेक करेंगे, ठीक है। अनलॉक बूटलोडर को हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद हम एक बार फिर से ट्राई मारेंगे और उसके लिए सेम प्रोसेस दोस्तों, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करने के बाद हम जो है केबल को कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं हमारा फ़ोन कनेक्ट हो गया है और अभी जो है बूटलोडर अनलॉक हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा बूटलोडर जो है अनलॉक हो चुका है और अभी हम फ़ोन की कंडीशन देखते हैं कि हमारे फ़ोन की कंडीशन क्या है। और दोस्तों, ये देखिए हमारा DMVT जो है ये रिमूव हो चुका है और अभी फ़ोन मेरे ख्याल से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं चेक करने के लिए। और ये देखिए हमारा फ़ोन अभी रिस्टार्ट भी नहीं हुआ, वरना 5 सेकंड के अंदर हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो जाता है। ये देखिए हमारा जो वो DMVT का जो ऑप्शन था वो हट चुका है और हमारा फ़ोन अभी बूट कंडीशन में है, ऑन हो रहा है। और ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑन होते ही मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। और इसके दोस्तों हमको जो है सिंपली हम डायरेक्ट बूटलोडर को भी अनलॉक कर सकते हैं। बूटलोडर को अनलॉक करने के बाद भी ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये देखिए हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा इसको मैं इस टैप को ऑन करता हूँ, ये देखिए ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली वर्किंग हो गया है और DMVT का जो ऑप्शन था वो हट चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है, जिससे हमारी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।